बैक्टीरिया से होने वाले रोग। मुख्य तौर पे जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है जैसे कि हैजा, टीबी, कुकुर खांसी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, प्लोरिसी, प्लेग, डिप्थीरिया, कोल्ड, टाइफाइड इत्यादि, ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो हम यहाँ पे रोग का नाम देंगे, रोगाणु का नाम देंगे, कौन सा अंग प्रभावित होगा उसका नाम देंगे और क्या लक्षण होगा अगर ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो फिर हम बात करते हैं सबसे पहले हैजा। हैजा रोग के लिए जो हमारा बैक्टीरिया है वो बीबीओ कोलरी है। बीबीओ कोलरी की वजह से हमारा जो पाचन तंत्र है वो इस पर अटैक करता है, जिससे हमारा उल्टी, दस्त, शरीर में ऐंठन और डिहाइड्रेशन की शिकायत बन जाती है। ठीक उसी तरह से टीबी रोग के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, नाम का रोगाणु होता है, ठीक है, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़े प्रभावित होने से हमें खांसी आती है, बुखार आता है, छाती में दर्द होता है, कभी कभी मुंह से रक्त भी आ जाता है। अगर वहीं पे कुकर खांसी हो तो कुकर खांसी के लिए वैसिलम परटुसिस नाम का रोगाणु होता है, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, इससे हमें बार बार खांसी आती है। निमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, तो इससे छाती में दर्द बना रहता है, सांस लेने में परेशानी आती है। एक है ब्रोंकाइटिस, कभी कभी बच्चों को ब्रोंको निमोनिया हो जाता है, तो ब्रोंका निमोनिया एक तरह से वो ब्रोंकाइटिस ही होता है, वजह जीवाणु है, यह हमारे श्वसन तंत्र को परेशान करता है, तो छाती में दर्द हो जाता है, सांस लेने में परेशानी आती है। यानी जो दिक्कत हमें निमोनिया में आती है उसी तरह की दिक्कत है ना ब्रोंकाइटिस में भी आती है। प्लूरिसी, प्लूरिसी रोग होने की वजह भी जीवाणु है, यह हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है, छाती में दर्द रहता है, बुखार रहता है, सांस लेने में परेशानी आती है। तो निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसी कुछ एक तरह की डिजीज हो जाती है। प्लेग, पाश्चुरेला पेस्टिस रोगाणु का नाम है और यह हमारे लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जिससे शरीर में दर्द रहता है, तेज बुखार आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, गिल्टी का निकलना, ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। डिप्थीरिया रोग में कॉर्निबैक्टेरियम रोगाणु वजह होता है, यह हमारे गले को खराब करता है, जिससे गला सोत श्वास लेने में दिक्कत आ जाती है। कोढ़ के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्ट नामक रोगाणु जिम्मेदार होता है, यह हमारे तंत्रिका तत्व को प्रभावित करता है, जिससे अंगुलियों का कट करके गिरना, शरीर पे दाग आ जाना इत्यादि। टाइफाइड, टाइफाइड के लिए जो रोगाणु जिम्मेदार है वह है टाइफी शाल्मोनेल, यह हमारी आंत को प्रभावित करता है। जिन व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है उनको तीव्र गति से बुखार आता है, वो घटता है बढ़ता है, पेट में दिक्कत आ जाती है, बदहजमी हो जाती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये जिस बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया का नाम है टाइफी शाल्मोनेल, ये सीधे हमारी आंत को प्रभावित करता है। टिटनेस के लिए क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ये हमारे मेरुरज्जु को प्रभावित करता है, इससे वजह परेशानी क्या आती है, मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, शरीर का बेडोल होना, ये परेशानी आती है। सुजाक के लिए नाइजेरिया गोनोरी जिम्मेदार होता है, यह हमारे प्रजनन अंग को प्रभावित करता है, जैसे जेनिटल ट्रैक्ट में सोत एवं घाव मूत्र त्याग करने में परेशानी आ जाती है। सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैडेडम, ये रोगाणु का नाम है, यह भी हमारे प्रजनन अंग को प्रभावित करता है और जेनिटल ट्रैक्ट में सोत एवं घाव मूत्र त्याग में परेशानी, यानी यह सुजाक की तरह से सिफिलिस होता है। मेनिनजाइटिस, इसमें भी जो रोगाणु है वो ट्रिपोनेमा पैडनम होता है, यहाँ पे ये प्रजनन अंग की जगह पे हमारे मस्तिष्क को प्रभाव में लेता है, जिससे सरदर्द रहता है, बुखार आता है, उल्टी आ सकती है, बेहोशी हो जाती है। इन्फ्लुएंजा रोग में फीफर्स वैसिलस नाम का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे नाक में पानी आ जाती है, सिर दर्द रहता है, आंखों में दर्द रहता है। ट्रैकोमा बैक्टीरिया इसकी वजह होता है, यह हमारे आंख को प्रभावित करता है, जिससे सरदर्द और आंख में दर्द बना रहता है। राइनाटिस, राइनाटिस रोग के लिए एलजेंटस नाम का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, यह हमारे नाक को प्रभावित करता है, जिससे नाक बंद हो जाती है, सर में दर्द रहता है। स्कारलेट ज्वर,
वजह इसका बैक्टीरिया होता है, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसकी वजह से बुखार जैसी समस्याएं होती है। वायरस से होने वाले रोग, अभी हमने देखा बैक्टीरिया से होने वाले रोग, अब हम देख रहे हैं वायरस से होने वाले रोग। जैसे रोग का नाम है और प्रभावित अंग है और उसका लक्षण। गलसुआ, गलसुआ से हमारा जो पेरोटिड ग्रंथियां हैं, पेरोटिड लार की जो ग्रंथियां हैं वो प्रभावित हो जाती है। इससे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाता है, अग्नाशय, अंडाशय और गुसन में सूजन आ जाता है, बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है। इस रोग से बांझपन का भी खतरा बना रहता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, इससे हमारे श्वसन तंत्र में परेशानी आती है और बुखार रहता है, शरीर में पीड़ा रहती है, सिर दर्द बना रहता है, जुकाम खांसी की परेशानी आती है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित रहता है, इससे बुखार आ जाता है, शरीर में पीड़ा होती है, पानी से भय लगता है, मांसपेशी और श्वसन तंत्र में लकवा हो सकता है, बेहोशी आ सकती है, बेचैनी आ सकती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद यह एक घातक रोग बन जाता है। खसरा, इससे पूरा शरीर प्रभावित रहता है, बुखार रहेगा, पीड़ा रहेगा, शरीर में खुजली रहेगी, आंखों में जलन रहेगी, आंख और नाक में द्रव का बहना, ये सब जारी रहेगा। चेचक, पूरा शरीर विशेष रूप से चेहरा और हाथ पैर, चेचक में बेसिकली चेहरा और हाथ पैर ज्यादा प्रभावित होता है, जैसे बुखार रहेगा, इसमें पीड़ा रहेगी, काफी जलन रहेगी, बेचैनी रहेगी, पूरे शरीर में फफोले पड़ सकते हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं चेचक में। पोलियो, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध हो जाता है, हाथ पैर में लकवा जैसी शिकायत हो जाती है। हार्पिज, त्वचा श्लेष्म कला को प्रभावित करता है और जिससे त्वचा में जलन हो जाती है, बेचैनी रहती है, शरीर पे फोड़े पड़ जाते हैं। इंसेफेलाइटिस, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसकी वजह से बुखार रहेगा, बेचैनी रहेगी, दृष्टिदोष आ सकता है, अनिद्रा आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, क्योंकि बेहोशी आ सकती है, यह घातक रोग है।